आपका नाम क्या है पी के सिन्हा अभी वो इलेक्शन हो रहा है मालूम है ना तेलंगाना में आप फिर आए पर्टिकुलरली आप, आप रिसाइडिंग इन लिंगमपल्ली पली एरिया ये इलेक्शन के बारे में कुछ आप बोल सकते हैं इधर कॉन्स्टिटुंसी है बीजेपी है कांग्रेस है और बीआरएस का कैंडिडेट्स है ये प्रेजेंट इलेक्शंस के बारे में कुछ आप बोल सकते यहाँ पर सभी जो जो भी वो वोट लेने वाले हैं कैंडिडेट हैं तो सब अपने अपने दृष्टि से अपना उनका मैनिफेस्टो है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है तो राष्ट्रवाद को ध्यान में रख के वो सारा काम करते हैं किसी के प्रति भेदभाव नहीं सबों का विकास हो महिलाओं का विकास हो प्रत्येक कम्युनिटी का विकास हो ना तो ये किसी का तुष्टिकरण करते हैं और न ही किसी का पक्षपात करते हैं सबों को एक साथ लेकर के सबका साथ सबका विकास इस नीति पर ये भारतीय जनता पार्टी काम करती है और ये राष्ट्र हित को ध्यान में रख कर के चलती है अभी इधर तेलंगाना में तेलंगाना गवर्नमेंट है ये तेलंगाना बी का क्या आ, बोल रहा है इधर तो डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया है बहुत डेवलपमेंट हो गए इधर कुछ गड़बड़ा नहीं है कुछ स्मूथ विदाउट क्या बोलते इसको कम्युनल क्लासेस नहीं है स्मूथ में चल रहा है इधर डेवलपमेंट अच्छा है मगर ऐसा बोल रहा है तो उसके बारे में बीजेपी आए तो कैसा डिफ्रेंशिएट कर सकते देखिए केवल डेवलपमेंट का बात जो है वो केवल ये शहरी क्षेत्र को डेवलप कर दिए इससे नहीं होता है डेवलपमेंट जो है हर एक सेक्टर में होना चाहिए विकास जो है गाँव में होना चाहिए ग्रामीण जनता का विकास होना चाहिए जो दलित हैं पिछड़े हैं किसी कारण से समाज में पिछड़े रह गए हैं उनका विकास होना चाहिए उन पर ध्यान देना है केवल एक सेक्टर को ध्यान दे करके और उसको डेवलप कर दिए इससे नहीं चलेगा पूरा देश में देश का जो अंतिम व्यक्ति है अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति उसका विकास होना चाहिए तो ये विकास जरूरी है केवल बस हम ये कुछ क्षेत्र का आप अगर हैदराबाद में भी देखेंगे तो अभी बहुत सा क्षेत्र ऐसा जो पिछड़ा हुआ है वहाँ पर सुविधा नहीं है सब केवल आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन हर क्षेत्र में डेवलपमेंट होना चाहिए तो ये इस बात को ध्यान में रख कर के काम करना है हाँ बीजेपी आएगी तो तो पूरा पूरा इस पर ध्यान देगी हमको ऐसा लगता है मगर बीजेपी को एक कामेंट कर रहा है पूरा बाहर में आप सोच रहे हैं वो तो एंटी तो मुस्लिम है कम्युनल पार्टी है ऐसा वो कैनवास चल रहा है ना अपोजिशन पार्टी से कांग्रेस तो ले लो और दूसरा पार्टी से तो बीजेपी को ऐसा मार्क करके वो कैनवास कर रहे उसके बारे में क्या देखिए बीजेपी कभी भी शुरू से प्रारंभ से एंटी मुस्लिम नहीं है ये आप प्रारंभ से देख लीजिए जो लोग जो लोगों को वोट चाहिए और जो लोग सत्ता में बने रहना चाहते हैं वो मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम करते हैं बीजेपी सबों को एक समान भाव से देखती है और सबका विकास करती है देखिए पूरे देश भर में जो डेवलपमेंट हो रहा है गैस कनेक्शन हुआ करोड़ों की संख्या में गैस कनेक्शन हुआ तो उसमें मुस्लिम को देख करके ऐसा नहीं कि हम हिंदू को दे रहे हैं मुस्लिम को दे रहे हैं ऐसा तो नहीं है इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें वो मुस्लिम और हिंदू का बात तो आता नहीं है सबको राशन कार्ड मिला सबको जो 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 लोग कोरोना काल में किसी कारण से अनएम्प्लॉयड हो गए और उनको खाने का भी मुश्किल हो गया तो बीजेपी के लोग ये देख करके नहीं कि ये मुस्लिम को नहीं देना है हिंदू को देना है ऐसा नहीं करते हैं सबों को दे रहे हैं सबों के लिए चिकित्सा सबों के लिए शिक्षा ये हर के लिए ध्यान में रख के करना है ऐसा नहीं कि हम केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए हम उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर दी ये नहीं जो प्रावधान हो रहा है वो सबों के लिए हो रहा है राष्ट्र हित में हो रहा है राष्ट्र की अखंडता सुरक्षा ये सब को ध्यान में रख करके बीजेपी का काम चलता है इधर लिंगामबली कॉन्स्टिटेंसी में बीजेपी की तरफ से रवि कुमार यादव कंटेस्ट कर रहे हैं वो प्रेजेंट एम एल ए गांधी एस थे उसको थर्ड टाइम कंटेस्ट कर रहे हैं वो बोल रहे हैं बहुत डेवलपमेंट कर दिया उसको ज़्यादा कर रहे और भी कर रहा हूँ ऐसा बोल रहा है थर्ड पार्टी कांग्रेस भी चल रही है ये तीनों के बीच रवि कुमार यादव क्या कर सकता थे आपका उसका ऊपर क्या भरोसा है देखिए रवि कुमार यादव जो हैं सो एक आ, युवा युवा उम्मीदवार हैं और पूरे एनर्जी के साथ काम करने वाले हैं और हर क्षेत्र में जाते हैं ज, हर घर में जा रहे हैं सबों के से मिल रहे हैं बिना भेदभाव के मिलते हैं एक देशभक्त उम्मीदवार हैं इसलिए ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करना जो देश के राष्ट्र के हित में सोचता है करता है केवल बस एक पॉकेट के लिए काम कर रहे हैं किसी को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं ऐसा नहीं सबको खुश करना है देश का प्रत्येक नागरिक जो है अपने तेलंगाना का प्रत्येक नागरिक जो है वो उसका विकास होना चाहिए इस दृष्टि से उनके पास में विज़न है उनके पास में वो इस बात को ध्यान में रख करके ही काम कर रहे हैं इसलिए रवि कुमार यादव को इस बार आना ज़रूरी है चेंज होना चाहिए लिंगम वाले में देखें तो, तो बड़ा कॉन्स्टेंस है वोटर्स uh, भी ज़्यादा रहता मगर एडुकेटेड्स एंड सेटलर्स भी ज़्यादा रहता उसके साथ लोकल पीपल भी ज़्यादा रहता है एक कॉन्स्टिटेंसी में बड़ा कॉन्स्टिटेंसी है आपका संदेश क्या है क्यों uh, रवि कुमार यादव को बीजेपी कैंडिडेट्स को वोट देना देखिए मेरा संदेश ये है कि पूरे देश भर में अभी बीजेपी की सरकार है देश में और राष्ट्र स्तर पर मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये केवल अपने देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर के लिए काम कर रहे हैं सर्वे तो सुखिन सर्वे संतु निरामया इस बात को इस विजन को लेकर के चल रहे हैं और इस बात को ध्यान में रख कर के अगर यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती है यहाँ से अधिक लोग जीत कर उठते हैं तो डबल इंजन की सरकार बनेगी और जो हमारा राष्ट्र स्तर पर जो विकास हो रहा है उसका समेकित प्रभाव समेकित विकास यहाँ पर भी संभव होगा अपने तेलंगाना में भी संभव होगा और ये इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ये आवश्यक है इस बात को ध्यान में रख कर के यहाँ की जनता से अपील करता हूँ कि वे अभी जो है सो बीजेपी के कैंडिडेट को जितावें और भारतीय जनता पार्टी के सरकार को बनने में मदद करें थैंक यू सर धन्यवाद